Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today we have lecture number 10 of formal methods in software engineering. Last different lectures ke andar humne finite automata ko in detail discuss kiya tha, and then humne theory of automata ko bhi discuss kiya tha. और उसमें जितनी भी आपकी लैंग्वेजेस थी, जो फॉर्मल एक्सप्रेशन थी, जो आपकी ऑटोमेटा की एक्सप्रेशन थी, जो जो आपकी जी लैंग्वेज थी, वो हम अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं, कैसे उसको डिप्लॉय करते हैं, कैसे उसको यूज़ करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हमने इन डिटेल जो है डिस्कस की थी. और रिगार्डिंग जब हमने अपने फर्स्ट फोर लेक्चर्स कवर किए थे और लेक्चर नंबर फिफ्थ हमने इस एंड पे कंप्लीट करके, हम फिर ऑटोमेटा और फाइनाइट ऑटोमेटा और रेगुलर एक्सप्रेशंस की तरफ चले गए थे कि ये वो मेथड्स थे, ये वो लैंग्वेज थी कि जो यूज़ की जाती है फॉर्मल मेथड्स के अंदर. तो वो उन चीज़ों को पढ़ना भी काफ़ी ज़रूरी था, क्योंकि इस कोर्स को लिंक करने के लिए वो सारी चीज़ें इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी. तो लास्ट जो लेक्चर नंबर फिफ्थ था, फिर जब 6, 7, 8, 9, इन फोर लेक्चर्स के अंदर हमने फाइनाइट ऑटोमेटा, अपनी जी लैंग्वेज, आपका VDM क्या होता है, ठीक है, आप अपने रेगुलर एक्सप्रेशन को किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, उनको आप किस तरीके से डिप्लॉय कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी लेक्चर नंबर 6, 7, 8 और 9 में. आज जो हमारा लेक्चर नंबर 10 है, जहाँ पे हमने लेक्चर 5 ब्रेक किया था, लेक्चर 5 में हम ऑटोमेटा की जो लैंग्वेज थी हम वो डिस्कस कर रहे थे. उस लैंग्वेज को, ठीक है, हमने लास्ट एंड किया था ट्रांजिशन सिस्टम के ऊपर. तो अब इस लेक्चर को आपने लिंक करना है लेक्चर नंबर 5 के साथ. लेक्चर नंबर 5 में हमने सारे के फॉर्मल मेथड्स क्या होते हैं, डेफिनेशन क्या है, उसको यूज़ कहाँ किया जा सकता है, उसका इंडस्ट्री लिंकेज क्या है, उसकी डिप्लॉयमेंट क्या है, ये जितनी चीज़ें थी ये सारी की सारी हमने लेक्चर नंबर 5 पर कम्प्लीट की थी. फिर हम चले गए थे उसमें ऑटोमेटा में, फाइनाइट ऑटोमेटा में डिफरेंट जो रेगुलर एक्सप्रेशन थी हम वहाँ चले गए थे. उन डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस करने के बाद, ठीक है, जो आज का हमारा लेक्चर हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे. लास्ट जो मैंने लेक्चर नंबर 5 यहाँ पे एड किया था वो ट्रांजिशन सिस्टम पे एड किया था, इसी की कंटिन्यूशन करेंगे. अब आपको जो डिफरेंट, जिस तरह उस टाइम आपको इन सिंबल्स का आइडिया नहीं था, रेगुलर एक्सप्रेशंस किस तरह क्रिएट की जाती हैं, ठीक है, उसको डिप्लॉय किस तरह किया जाता है, फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, उसका रिलेशन क्या है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के साथ, ये चीज़ें आपको उस टाइम नहीं आइडिया था. अब हमने वो सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस कर ली हैं, तो वहीं से हम आप इसकी कंटिन्यूटी फिर से स्टार्ट करते हैं. तो ट्रांजिशन जो सिस्टम है, ए फाइनाइट सेट ऑफ वेरिएबल्स वी और सम डोमेन, ठीक है, कि ये आपके पास एक सेट ऑफ वेरिएबल्स हैं, ठीक है, एक स्पेसिफिक डोमेन के हैं, ठीक है, जिसको हम यूज़ करते हैं. और इसकी डेफिनेशन क्या है कि ए सेट ऑफ स्टेट्स सिग्मा, ठीक है, आपके पास एक सेट ऑफ स्टेट्स है, ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, इसको हम करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं ए फाइनाइट सेट ऑफ ट्रांजिशन टी ईच ट्रांजिशन ई गोस टी हैज. तो ये अगर हम इसकी टेक्निकल डेफिनेशन देखें, तो इसकी जो टेक्निकल डेफिनेशन बनती है वो डेफिनेशन क्या बनती है कि फाइनाइट सेट ऑफ ट्रांजिशन टी ईच ट्रांजिशन ई गोस टी हैज एन इनेबलिंग कंडीशन ई एंड ए ट्रांसफॉर्मेशन टी. यानी इसकी जो दो सब कंडीशन हैं दैट शुड बी मस्ट ट्रू इन एवरी केस, ठीक है, वन इज दैट एन इनेबलिंग कंडीशन E and A transformation T and initial condition I. तो ये हमारे पास एक बेसिक ट्रांजिशन सिस्टम है, ठीक है, ट्रांजिशन. अब हम इसकी स्टेट्स को देख रहे थे कि इसकी, ये हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि इस एग्जाम्पल में ये ट्रांजिशन सिस्टम हाउ इट वर्क्स, ये किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है. इसमें हमारे पास जो सेट V है इज इक्वल टू A कमा B कमा C कमा D एंड कमा E है, और जो सिग्मा है ये आल असाइनमेंट्स ऑफ नेचुरल नंबर फॉर वेरिएबल्स इन V, कि आपके पास जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वेरिएबल इन V, उन तमाम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है सिग्मा. और T इज इक्वल टू C ब्रेसिस C ग्रेटर देन जीरो गो C कामा E कॉलन इज इक्वल टू C माइनस A कामा E प्लस वन
एंड कॉमा डी ग्रेटर देन जीरो, ये डी उससे ठीक है, और ये अब आप देखें इस गोज टू डी कॉमा सी, और ये किसके इक्वल्ट है, डी माइनस वन ई प्लस वन और आई सी। तो अब यहाँ पे इस ट्रांजिशन, व्हाट डज दिस ट्रांजिशन सिस्टम डू, अब ये आपके पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, यहाँ पे आपके पास जो ट्रांजिशन सिस्टम है वो क्या करेगा, ठीक है, उसकी रिफ्लेक्शन क्या है, उसकी आउटपुट क्या आएगी जब आप ये एक स्पेसिफिक इक्वेशन को यूज़ करते हैं, तो जो आपका ट्रांजिशन सिस्टम है वो सिस्टम के साथ किस तरीके से बिहेव करेगा और उसकी आउटपुट क्या आएगी, अब वो हम देखते हैं कि उसकी आउटपुट किस तरह की है। इसके लिए हमने देखा था द इंटरलीविंग मॉडल, इंटरलीविंग मॉडल जो है इसको, इसकी डेफिनेशन क्या है, एन एग्जीक्यूशन इज द मैक्सिमल फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स, यानी जो आपके पास फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस है उसकी जितनी भी स्टेट्स बनती हैं एस जीरो कम एस वन एस टू एंड सो ऑन, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन के हाउ मैनी स्टेट्स, ठीक है, यू रिक्वायर्ड, ठीक है। तो अब इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है, जो इसका बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है, वो ये है कि एन एग्जीक्यूशन इज द मैक्सिमल फाइनाइट आर इनफाइनाइट, ठीक है, ये वो फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है, सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स एस जीरो एस वन एस टू, उसकी जितनी भी स्टेट्स हैं, ठीक है, उसके लिए जो हम यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, हम उसको फाइनाइट या आर इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स कहते हैं, ठीक है। दैट इज फाइनाइट इफ नथिंग इज इनेबल्ड फ्रॉम द लास्ट स्टेट, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसकी इन कंडीशंस को जो है वन बाय वन करते हैं, प्रूव करते हैं, हम कहते हैं कि फाइनाइट इफ नथिंग इज इनेबल्ड फ्रॉम द लास्ट स्टेट, ठीक है, अगर वो कुछ नहीं है तो हम उसको लास्ट स्टेट से इनेबल करते हैं, और जो फर्स्ट स्टेट एस जीरो है वो सेटिस्फाई करती है द इनिशियल कंडीशन दैट इज आई ब्रेसिस एस कमा जीरो। तो ये जो फर्स्ट स्टेट हमारी एस जीरो है ये इसको सेटिस्फाई करती है, और इसको सेटिस्फाई करने के बाद अब हम अपनी एक्सप्रेशन किस तरह बनाते हैं, मूविंग फ्रॉम वन स्टेट एस आई टू इट्स सक्सेसर, ठीक है। अब जो इसका सक्सेसर है वो क्या हो जाएगा, डेफिनेटली जब हमने इसको मूव किया और हमें यहाँ पे कहते हैं आई ब्रेसिस एस जीरो कहते हैं, तो एस आई प्लस वन हो जाएगा इज बाय एग्जीक्यूटिंग आर ट्रांजिशन एंड शुड बी ई गोस टी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ई गोस टी आ जाएगा, ठीक है। और अब ये जो आपकी इक्वेजन है, जो जनरल इक्वेजन है आपकी ई प्रेसिस एस आई दैट इज एस आई सेटिस्फाई, यानी ये कंडीशन आपकी अब किसको सेटिस्फाई करती है, ये ई को सेटिस्फाई करती है, और एस आई प्लस वन इज ऑबटेन बाय अप्लाइंग टी टू एस आई, ठीक है। तो ये किसको ऑबटेन करती है, ये एस आई को प्रिंट करती है। तो ये हमारे पास इंटरलिविंग मॉडल है, ठीक है, इंटरलिविंग जो मॉडल है वो किस तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है अपनी डिफरेंट मल्टीपल इक्वेशंस को। अब आप इसी की एग्जांपल देखें, जो हमने लास्ट अपना इंटरलिविंग मॉडल देखे, और इसमें क्या कह रहे हैं कि टी इज इक्वल टू, ठीक है, ब्रेसिस सी कामा सी ग्रेटर देन जीरो गो सी कामा ई कॉलन इज इक्वल टू सी माइनस वन कामा ई प्लस वन, और फिर हमने दूसरी कंडीशन क्या कही थी कि डी ग्रेटर देन जीरो डी कामा ई कॉलन इज इक्वल टू डी माइनस वन कामा ई प्लस वन, ये हमारी अब इसमें जो बेसिक कंडीशंस हैं जो इस सिस्टम के लिए हमने देखनी है कि ये सिस्टम के ऊपर मैनिपुलेट हो सकती हैं, ठीक है, ये सिस्टम के ऊपर डिप्लाई हो सकती हैं कि नहीं हो सकती, वो क्या है कि सी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू बी एंड ई, ये यहाँ पे हमारे पास तीन कॉन्स्टेंट्स हैं जो हमने डिफाइन कर दिए। अब आप ये देखें कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि एस जीरो इज इक्वल टू लेस देन ए इज इक्वल टू टू, ये इसकी वैल्यू आ गई, बी हम इस इक्वेशन में वन ले रहे हैं, सी की वैल्यू भी हम इस इक्वेशन में टू ले रहे हैं, डी वन है और ई जीरो है, और फिर एस वन देन इसमें भी आपके पास बी वन, यहाँ पे हम सी की कंडीशन क्या ले रहे हैं, सी वन ले रहे हैं, डी वन ई वन, थर्ड के अंदर हम क्या कह रहे हैं एस टू, ठीक है, इज इक्वल टू लेस देन ए इक्वल टू टू देन कामा बी इक्वल टू वन एंड सी इक्वल टू वन और डी इक्वल टू जीरो एंड ई इज इक्वल टू टू, सो एस थ्री इज इक्वल टू लेस देन ए इज इक्वल टू टू बी देन वन सी जीरो एंड डी जीरो और ई थ्री, ये हमारे पास जो यहाँ से अब इस स्टेट से हम ये जो
एग्जाम्पल आपने कहा, अब देखिए यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन आ रही है, सी टू सी वन है, ई जीरो ई वन है, सी वन सी जीरो है, ठीक है, डी वन डी जीरो है, सी वन सी जीरो है, ई टू ई थ्री है। तो ये हमारे पास एक जो बेसिक इंटरलीविंग मॉडल है कि वो किस तरीके से कैसे काम कर रहा है, इस तरीके से वो काम कर रहा है। अब यहाँ पे जो आपके पास ट्रांजिशंस हैं, ट्रांजिशंस के अंदर आप देखें कि अब हम इसको जनरलाइज करते हैं टूवर्ड्स अलगों की तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि अब हमने इसकी मैथमेटिकल इंडक्शन करनी है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए आप देखें कि एल जीरो ठीक है कॉलन वाइल टू डू एन सी कॉलन वेट रन इज इक्वल टू जीरो। अब जो आपके पास एन सी ओ है ठीक है, ये अपना इसकी जो कंडीशन है वो क्या है कि वेट रन इज इक्वल टू जीरो एंड सी आर जीरो इज इक्वल टू टेन इज इक्वल टू वन एंड वाइल एल वन कॉलन वाइल टू डू एन सी वन वेट टर्न इज इक्वल टू वन एंड सी आर वन इज इक्वल टू टेन इज टू जीरो एंड वाइल, ये कंडीशन है। अब इन कंडीशन को वन बाय वन हम इस अलगो में किस तरीके से सेटिस्फाई करते हैं, टी कॉलन पी सी जीरो इज इक्वल टू एल जीरो गोज टू पी सी ओ कॉलन इज इक्वल टू एल सी ओ, ठीक है। ये हमारे पास हमने फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसको इनिशियलाइज कर लिया है। हम तरीका कहते हैं टी वन कॉलन पी सी जीरो इज इक्वल टू एल सी ओ टर्न इज इक्वल टू जीरो गोज पी सी जीरो इज इक्वल टू सी आर जीरो। अब यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू, ये हमने टी जीरो को एक्सप्लेन कर दिया, ये हमने टी वन को एक्सप्लेन कर दिया, टी टू को हम क्या कह रहे हैं कि पी सी जीरो इज इक्वल टू सी आर जीरो गोज पी सी जीरो कॉलन टेन कॉलन इज इक्वल टू एल जीरो कमा वन, देन टी थ्री कॉलन पी सी वन इज इक्वल टू एल वन गोज पी सी वन इज इक्वल टू एन सी वन, और टी फोर क्या है कॉलन पी सी वन इज इक्वल टू एन सी वन टर्न इज इक्वल टू वन पी सी वन इज इक्वल टू सी आर वन आ गया, और फिर टी फाइव कॉलन पी सी वन इज इक्वल टू सी आर वन। और अब ये फंक्शन हमारे पास यहाँ से बना, फंक्शन क्या बना, पी सी वन ठीक है कॉलन कामा टर्न इज इक्वल टू एल वन जीरो। और यहाँ से हमें सारी ट्रांजिशन से जो हम वन लाइन की मैथमेटिकल इक्वेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो इक्वेशन क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं हम, दैट इज इनिशियल कॉलन पी सी जीरो इज इक्वल टू एल जीरो पी सी वन इज इक्वल टू एल वन, इज दिस द ओनली रीजनेबल वे टू मॉडल दिस प्रोग्राम। अब ये जो हमारे पास कंडीशन थी ठीक है, डिफरेंट स्टेटमेंट थी, अब हम यहाँ पे क्या चीज़ देख रहे हैं, क्या हमारे पास एक यही मॉडल है ठीक है इस प्रोग्राम को रन करने के लिए, या एक सूटेबल कंडीशंस हैं, क्या हम समझते हैं कि ये जो टेस्ट कंडीशंस हैं ये रीजनेबल हैं, हम इनको डिप्लॉय कर सकते हैं या हम इनको अप्लाई कर सकते हैं। अब इन ट्रांजिशंस को देखने के लिए कि ये लेजिटिमेट है कि नहीं है, इसके लिए आगे देखते हैं। अब आप देखें, अब हमने इसी एग्जांपल को ठीक है, अगर हम इसका फ्लो देखें जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर 7-8 में ऑटोमेटा की स्टेट्स भी देखी थी, स्टेट से हमने मशीन लैंग्वेज बनाई थी, वहाँ से हमने अपनी रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट की थी, तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे इसका क्या रिलेशन किस तरह आ रहा है। द स्टेट ग्राफ, इसमें आपके पास क्या है, सक्सेसर है, सक्सेसर का। अब इस डायग्राम में क्या हो रहा है कि ये आपके पास एक स्टेट ग्राफ है जिसमें कॉलन सक्सेसर रिलेशन बिटवीन रीजेबल स्टेट्स, जो अब आपकी आप ये देखें कि यहाँ पे आपके पास डिफरेंट स्टेट्स हैं, कौन सी स्टेट कैसे मूव हो रही है, कहाँ तक पहुँच रही है, उसकी कन्वर्जन किस तरह हो रही है, नंबर ऑफ स्टेप्स कितने आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप ये देखें कि आपके पास जब आप इसको स्टार्ट करते हैं टर्न जीरो, ये आपके पास टी जीरो, ये टी जीरो टी थ्री जो एल जीरो एल वन है, ये आपके किस स्टेट में जा रहे हैं, यहाँ भी टेन जीरो है, टेन जीरो है, ये आपके पास एल जीरो कामा एन सी वन में जा रहे हैं, ये एन सी जीरो कामा एल वन में आ रहे हैं, देन टेन जीरो इज इक्वल टू एन सी जीरो कामा एन सी वन आ रहा है, फिर ये गोज टू टेन जीरो ठीक है सी आर जीरो कामा एल वन, और टेन जीरो इक्वल टू सी आर सी जीरो कामा एन सी वन, ये हमारे पास एक मॉडल है। और यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, टेन इक्वल टू वन ठीक है एल जीरो कामा एल वन, उसके बाद टेन वन ठीक है टेन वन टेन इक्वल वन एल जीरो कामा एन सी वन, टेन वन एल जीरो कामा सी आर वन, टेन वन एन सी जीरो कामा एन सी वन, टेन वन ठीक है। अब आप ये देखेंगे इसमें जितनी भी स्टेट्स हैं कि टी टू कहाँ जा रही है,
टी फाइव कहाँ जा रही है, टी फोर क्या कर रही है, टी वन क्या कर रही है, टी जीरो क्या कर रही है, टी हर स्टेट जो सक्सेस, यानी यहाँ से हम एक्सट्रैक्ट से क्या चीज़ कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट क्या चीज़ कर रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, ठीक है, वो किस तरीके से मूव कर रही हैं और उनका रिलेशन क्या है रीचेबल स्टेट्स के अंदर, जो डिफरेंट स्टेट्स हैं जब उसमें वो रीचेबल जो स्टेट्स हैं, यानी आप ये देखें कि यहाँ से ये किस तरह आपकी टी थ्री किस तरीके से पहुँच रही है, टी फोर किस तरह जा रही है, टी जीरो किस तरह जा रही है, टी फाइव किस तरह जा रही है, टी वन किस तरह जा रही है, तो जितनी भी आपके पास ये स्टेट्स हैं ये आपकी रीचेबल किस तरह हैं एक से दूसरी स्टेट्स तक। तो हमारे पास जो यहाँ पे सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं अभी जो हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास जो कंडीशंस आ रही हैं वो कंडीशन किस किस की आ रही है, फर्स्ट क्या आ रहा है रीचेबल स्टेट्स, सेकंड क्या आ रही है एग्जीक्यूशन आ रही हैं, और थर्ड क्या आ रहा है नॉन डिटर्मिस्टिक चॉइस आ रही है। ठीक है, हमने ये डिस्कस किया था कि एक आपके पास डिटर्मिस्टिक चॉइस होती है, एक नॉन आपकी डिटर्मिस्टिक चॉइस होती है, ये हम दोनों लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होती है, स्टेट्स किस तरह बनती हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन किस तरह बनती हैं, हम कंडीशन किस तरह डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे इन डेफिनेशन को देखें कि रीचेबल स्टेट्स क्या हैं। ठीक है, अगर मैं एक स्लाइड बैक करूँ तो आप ये देखेंगे ये आपके पास जो डायग्राम है यहाँ पे आपके पास डिफरेंट स्टेट्स आ रही है ना, आप देख रहे हैं टी टू है, टी थ्री है, ठीक है, कोई एक स्टेट दूसरी स्टेट में मूव कर रही है, दूसरी तीसरी में मूव कर रही है, तीसरी चौथी में मूव कर रही है, इन स्टेट्स की जो मूवमेंट है डिफरेंट स्टेट्स के साथ वो उसमें जो कंडीशंस है हमने कहा है कि वो रीचेबल स्टेट्स हैं। ठीक है ना, अब उन रीचेबल स्टेट्स की हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि वो डेफिनेशंस क्या है, ठीक है, ताकि आपको और इन डेप्थ आइडिया हो जाए कि स्टेट्स किस तरह डिजाइन की जाती हैं। तो यहाँ पे हम इसकी जो डेफिनेशन देख रहे हैं कि जो आपके पास रीचेबल स्टेट्स हैं ऑब्टेन फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट थ्रू अ सीक्वेंस ऑफ इनेबल ट्रांजिशंस, कि आपकी जितनी भी सीक्वेंस है ट्रांजिशन की, जो आपकी इनेबल ट्रांजिशन हैं कि फर्स्ट कौन सी है, सेकंड कौन सी है, थर्ड कौन सी है, फोर्थ कौन सी है, उनका जो रिलेशन है उसके बिटवीन काम कर रही है। एग्जीक्यूशन क्या है, द सेट ऑफ मैक्सिमल पाथ, ठीक है, कि मैक्सिमम यानी वहाँ पहुँचने के लिए आपके जो मैक्सिमम पाथ है फाइनाइट, डेफिनेटली देखें जब भी हम बात करेंगे पाथ्स की तो फाइनाइट होंगे, इनफाइनाइट का आइडिया नहीं है, फाइनाइट आर टर्मिनेटिंग इन अ नोड वेयर नथिंग इज इनेबल्ड। अब ये देखें यहाँ पे फिर इस डेफिनेशन को जरा समझने की कोशिश करें कि जो आपके पास एग्जीक्यूशन है, एग्जीक्यूशन का जो मतलब है कि द सेट ऑफ मैक्सिमल पाथ फाइनाइट आर टर्मिनेटिंग इन अ नोड वेयर नथिंग इज इनेबल, यहाँ पे कुछ भी इनेबल नहीं है, ठीक है, और नॉन डिटर्मिस्टिक चॉइस क्या होती है, व्हेन मोर देन अ सिंगल ट्रांजिशन इज इनेबल्ड एट अ गिवन स्टेट, जब आपके पास एक ही वक्त में व्हेन मोर देन अ स्टेट अ सिंगल ट्रांजिशन, आपके पास एक ही ट्रांजिशन है वो इनेबल है एक गिवन स्टेट के ऊपर, तो हम ठीक है वी हैव अ नॉन डिटर्मिस्टिक चॉइस व्हेन एट लीस्ट वन नोड एट द स्टेट ग्राफ हैज मोर देन वन सक्सेस, ठीक है। तो ये आपके पास देयर वर थ्री डेफिनेशन कि रीचेबल स्टेट्स क्या होती हैं, एग्जीक्यूशन क्या होती हैं, और आपके पास नॉन डिटर्मिस्टिक चॉइस क्या होती है और उसको किस तरीके से डिजाइन किया जाता है। तब आप ये देखें कि इसमें जो आपके पास म्यूचुअल एक्सक्लूजन है वो क्या है कि अब ठीक है म्यूचुअल का मतलब क्या होता है कॉमन, ठीक है, जो आपकी कॉमन एक्सक्लूजन क्या है कि वो आप इस डायग्राम में देख लें कि ये जो है ये एक स्टेट है, ये सेकंड स्टेट है, ये थर्ड स्टेट है, फोर्थ, ठीक है। तो अब आप इसमें से उसको फाइंड करने के लिए एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑलवेज इफ टर्न जीरो देन एट सम पॉइंट टर्न वन, ठीक है, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जितनी भी आपकी स्टेट्स हैं कहीं आपके टर्न जीरो है कहीं वन है, दो ही इसकी आपकी वैल्यूज हैं लाइक टू बुलियन वैल्यूज हैं, या वो आपकी वैल्यू वन है या वो आपकी वैल्यू जीरो है, इसके अलावा देर इज नो थर्ड वैल्यू इन एवरी स्टेट, ठीक है, या तो वो जीरो के साथ आपकी मैनिपुलेट हो रही है या वो आपकी वन के साथ मैनिपुलेट हो रही है। तो यहाँ पे जो ये डेफिनेशन हमने तीन देखी है, ये वाली एक आपकी जो रीचेबल स्टेट्स है, एक आपकी एग्जीक्यूशंस हैं, और एक आपकी नॉन डिटर्मिस्टिक चॉइस है, ये अच्छी तरीके से आपको पता होनी चाहिए तब आप इसको मजीद फर्दर आगे लेके जा सकते हैं।
ये देखें कि यहाँ पे हमने ये जितने भी आपकी पॉइंट्स, ठीक है, ये आपकी सारी आपकी रेड हो गई है, इसमें हमने क्या किया है, टेन जीरो टेन जीरो टेन जीरो टेन जीरो टेन वन टेन वन, और यहाँ पे इन तमाम स्टेट्स को हमने ऑलवेज इफ टेन जीरो देन एट सम पॉइंट टेन वन, हमने इसको टेन वन किया है। अब यहाँ पे हम इंटरलीविंग जो सिमेंटिक्स बन रहे हैं, थोड़ा सा चैप्टर डिफिकल्ट है, ठीक है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे मैंने ब्रेक किया था, और फिर हम ऑटोमेटा में गए, फाइनाइट ऑटोमेटा देखा, एक्सप्रेशन देखी, ताकि आपको रिवीजन करके इस पेज तक लेके आए। डेफिनेटली मैंने आपको स्टार्ट में बताया था इस कोर्स में मैथमेटिक्स है, तो समहाउ आपको कुछ बोरिंग भी लगे, लेकिन ठीक है, आपने इसको स्टडी तो करना है, तो इसलिए ये इन चीज़ों को गौर से सुने कि हम जो ट्रांजिशन बना रहे हैं, तीन डेफिनेशन बताई हैं। अब यहाँ पर जो कंडीशन बन रही है वो इंटरलिविंग्स आपके जो सिमेंटिक्स हैं वो क्या होती हैं, एग्जीक्यूट वन ट्रांजिशन एट टाइम, एक वक्त के ऊपर आपकी एक ही ट्रांजिशन जो है वो एग्जीक्यूट होगी, इससे ज्यादा आपकी एग्जीक्यूशन नहीं हो सकती। अब आप ये देखें कि यहाँ पे आपके पास जो एग्जीक्यूशन हो रही है कि टेन जीरो एल जीरो एल वन टेन जीरो एल जीरो एन सी वन टेन जीरो एन सी जीरो एन सी वन टेन जीरो सी आर जीरो एन सी वन, और ये सारी वैल्यूज आपकी कहाँ पे मूव हो रही है, टेन वन एल जीरो एन सी वन टेन वन एल जीरो कामा सी आर, नीड टू चेक द प्रॉपर्टी फॉर एवरी पॉसिबल इंटरलीविंग। यहाँ पे जितनी भी पॉसिबिलिटीज बनती हैं हम हर पॉसिबिलिटी की जो है वो इंटरलीविंग चेक करते हैं, इंटरलीविंग चेक करने के बाद उसको मैनिपुलेट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के साथ, और फिर वहाँ पर उसको लिंक करते हैं। अब इसके ऊपर हमने जो अपना अलगो डिज़ाइन किया है, जिसको हम अब ये कह रहे हैं कि बिजी वेटिंग, बिजी वेटिंग आप इस अलगो को देखें, इसको हम सूडो कोड भी कह सकते हैं, ठीक है, एल जीरो कॉलन वाइल टू डू, ठीक है, ये ट्रू होगा। अब ये आपने आपने लूप पढ़े होंगे कि फॉर लूप क्या होता है, वाइल लूप क्या होता है, डू वाइल लूप क्या होता है, तो ये डू ये सारी कंडीशन करेगा कब तक, जब ये कंडीशन ट्रू होगी। तो हम इसको देखते हैं कि इसकी वर्किंग किस तरह हो रही है यहाँ पे, ठीक है, एल जीरो कॉलन वाइल ट्रू डू एन सी जीरो वेट रन इज इक्वल टू जीरो एंड सी आर जीरो, हमने ये यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दी है कि जब टर्न जीरो हो तो वेट करना है, और सी आर जीरो को हमने किस वैल्यू से यहाँ पे इनिशियलाइज कर दी है, हमने सी आर जीरो की वैल्यू हमने वन दे दी है, एंड वाइल, ठीक है, आर ये आर का सिंबल है, एल वन वाइल टू डू एन सी वन वेट रन इज टू वन सी आर सी आर कॉलन टेन इक्वल टू जीरो, और ये एंड वाइल आ जाएगा। तो यहाँ पे आपकी डिफरेंट कंडीशन आ गई हैं, टी सी कॉलन पी सी इज इक्वल टू एल जीरो गोज टू पी सी जीरो कॉलन इज इक्वल टू एन सी जीरो टी वन कॉलन पी सी एन सी ओ टेन जीरो एंड सो ऑन, ये हमारे पास मल्टीपल कंडीशन हैं, और यहाँ से हम क्या चीज़ जो एनालाइज कर रहे हैं, पी सी जीरो इज इक्वल टू एल जीरो पी सी वन इज इक्वल टू एल वन, हम यहाँ से ये चीज़ यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं, ये हमारे पास बिजी वेटिंग का अल्गो है या सूडो कोड है। तो यहाँ पे आप देखें कि ऑलवेज वेन टर्न जीरो देन एट सम पॉइंट टर्न वन, जब भी जीरो होगा आप ये देखें कि यहाँ पे ये टर्न जीरो है और ये किसी पॉइंट पे टर्न वन हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या चीज़ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, नाउ इट डज नॉट होल्ड, ठीक है, ये जो रेड सब ग्राफ है, ये वाला जो रेड है जनरेट्स अ काउंटर एग्जाम्पल एग्जीक्यूशन, ये जो रेड है यही हमने जो पीछे बात कर रहे थे एग्जीक्यूशन की, तो ये जो रेड आपके बॉक्सेज हैं ये क्या जनरेट कर रहे हैं, ये रेड सब ग्राफ जनरेट्स अ काउंटर एग्जाम्पल एग्जीक्यूशन, या जो जो हमारी जितनी भी एग्जीक्यूशन होती हम कह रहे थे ये उसकी एक काउंटर आपकी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो है कंसेप्ट है कम्बिनेशन, ठीक है, अब आपके पास जो यहाँ पे कम्बिनेशन हम बात करते हैं, कम्बिनेशन क्या होता है, ठीक है, जैसा फैक्टोरियल होता था, ठीक है, इसी तरह यहाँ पे, ठीक है, आपके पास कि जो कंबाइन है, हम इसको एक्सप्लेनेशन को किस तरह देखते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा थ्री फैक्टोरियल फोर फैक्टोरियल, ठीक है, थ्री इंटू टू इंटू वन फाइव है, तो फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि हाउ मेनी स्टेट्स, हमने यहाँ पे क्या चीज़ मुहैया करनी है कि अगर आपके पास ये डायग्राम गिवन हो तो आपने यहाँ पे क्या चीज़ फाइंड करनी है, आपने स्टेट्स फाइंड करनी है कि हाउ मैनी पॉसिबल स्टेट्स ऑन दिस डायग्राम। तो आप देख रहे हैं कि वी वन इक्वल टू थ्री है, तो वी वन इक्वल टू वन है, और वी वन यहाँ पे टू है, यहाँ पे वी एन, ठीक है, यानी ये आप देख रहे हैं डॉट 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 डॉट, तो जो हमने क्या किया लास्ट वी एन को हमने थ्री से कर दिया, वी एन
वन और वी एन टू, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन था कि आपकी कितनी स्टेट्स हैं वो आप किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अब हम इसी को आगे लेके चलते हैं, इसी कंसेप्ट को आगे थोड़ा सा इसको एडवांस करते हैं। यहाँ पे आपके पास ग्लोबल स्टेट्स हैं, जनरलाइज स्टेट्स हैं, ठीक है, जो आपकी ग्लोबल स्टेट्स हैं उसको हम जनरलाइज स्टेट्स भी कह सकते हैं कि वी वन इजल टू वन, वी टू इजल टू वन, वी एन इजल टू वन, ठीक है, वी वन वन, वी टू वन, वी एन टू, ठीक है। ये अब ये क्या है, ये थर्ड, यानी ये देखें ये फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड, तो हमने इसको क्या कहा है, थ्री एन स्टेट्स, क्या यानी वन टू थ्री, तो ये कितनी फॉर्म्स थी, ये आपके पास थ्री एन स्टेट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आपकी नंबर ऑफ स्टेट्स बन रही हैं वो आपकी थ्री एन स्टेट्स बन रही हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो स्पेसिफिकेशन जो है उसकी फॉर्मुलिजम्स के ऊपर है कि हम उसको फॉर्मुलेट किस तरह करते हैं, उसको फॉर्मलाइज किस तरह करते हैं, उसके लिए क्या कंसेप्ट्स हैं, क्या थ्योरी है, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, कि हम अपने जो जो हमारी फॉर्मल स्पेसिफिकेशन होती हैं हम उसको फॉर्मलाइज किस तरह करते हैं, क्या मेथड्स हैं हमारे पास, क्या रूल्स हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं, ठीक है, क्या प्रोसीजर्स हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे जो फॉर्मलिज्म्स हैं, जो प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मलिज्म्स हैं, इसकी डिफरेंट जो है आप ये कह लें इसकी मेथोडोलॉजी है, डिफरेंट इसके पैरामीटर्स हैं, हम हर पैरामीटर को देखते हैं। फर्स्ट क्या है, फॉर्मल है, इंडिकेटिव है, ठीक है, आपका इफेक्टिव है, आपका एक्सप्रेसिव है, सारे इसके आपकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। इसमें क्या है कि यूनिक इंटरप्रिटेशन है, ठीक है, जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यूनिक, ठीक है, वो आपका यानी वो यूनिक हो, वो मतलब डुप्लीकेट ना हो, वो सिंगल हो, सिंपल टू अंडरस्टैंड हो, ठीक है, आपको जो साइज है वो रिजनेबल हो, और ये आपका इफेक्टिव कहाँ कहाँ पे हो सकता है, चेक दैट देर आर नो कंट्रडिक्शन, इसमें कोई कंट्रडिक्शन नहीं होनी चाहिए, जो आपकी स्टेटमेंट्स हैं वो आपस में इंटरलिंक ना हो, चेक दैट द स्पेक्स इज इम्प्लीमेंटेबल, कि जो आपकी स्पेसिफिकेशन है ऐसा ना हो कि आपने एक पूरी ऐसा तो बना दी है, आपने एक सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन तो पूरी की पूरी डिज़ाइन कर दी है, लेकिन अगर वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकती, वो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा ही नहीं सकती, तो उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है। चेक दैट द इम्प्लीमेंटेशन सेट्स वाई स्पेसिफिक, अगर इम्प्लीमेंट तो कर दिया लेकिन आपने उसमें डिफरेंट रूल्स लगा के उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया, उसको डिप्लॉय भी कर दिया, डिप्लॉयमेंट भी कर दी, लेकिन अगर वो स्पेसिफिकेशन के साथ मैच नहीं करती तो तब भी उसका कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। एक्सप्रेसिव हो, मे बी यूज टू जनरेट इनिशियल कोड और स्पेसिफाइंग द इम्प्लीमेंटेशन आर इट्स प्रॉपर्टीज, तो ये हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टीज हैं कि हम जब फॉर्मुलाइजेशन करते हैं तो हम किन स्टेप्स के ऊपर, किन मेथड्स के ऊपर करते हैं। अब हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि इंटरलेविंग जो मॉडल था वो उसमें क्या था कि एन एग्जीक्यूशन इज अ फाइनाइट आर इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स एस जीरो टू डॉट एस वन कामा एस टू एंड सो ऑन, ये हमारे पास जो एग्जीक्यूशन है चाहे वो फाइनाइट सीक्वेंस है या वो आपके पास इनफाइनाइट सीक्वेंस है, ठीक है, उसकी डिफरेंट स्टेट्स हैं, ठीक है, उन स्टेट्स को हमने क्या कहा था कि उसमें एस जीरो है, एस वन है, एस टू है, द इनिशियल स्टेट सेटिस्फाई द इनिशियल कंडीशन दैट इज आई इंटू एस जीरो, ठीक है, मूविंग फ्रॉम वन स्टेट टू ठीक है, मूविंग फ्रॉम वन स्टेट एस आई टू एस आई प्लस वन इज बाय एग्जीक्यूटिंग ट्रांजिशन ई गोज टी ई इंटू एस आई कामा दैट इज एस आई सेटिस्फाई ई एस आई प्लस वन इज ऑब्टेन बाय अप्लाइंग टी टू एस आई, लेट्स अज्यूम ऑल सीक्वेंस आर इनफाइनाइट बाय एक्सटेंडिंग फाइनाइट वन, ठीक है। आप यहाँ पे जो इंटरलिविंग मॉडल है ये इसके कुछ बेसिक स्टेप्स हैं। इंटरलिविंग मॉडल का मतलब ये है कि डिफरेंट स्टेट्स को अपने आपस में लिंक किया है और वहाँ से हम अपनी एग्जीक्यूशन करने जा रहे हैं। अब वो एग्जीक्यूशन किस तरीके से है, वो ट्रांजिशन किस तरीके से बन रही है, उन तमाम स्टेट्स को हम सेटिस्फाई किस तरह करेंगे, रूल्स क्या हैं, ठीक है, उसके मैथमेटिक्स क्या है, उसके एक्सप्रेशन क्या हैं, ठीक है, वो भी हम देखते हैं। अब इसमें जो कंसेप्ट आता है इसको टेम्पोरल लॉजिक कहते हैं। टेम्पोरल लॉजिक क्या होता है कि डायनेमिक्स स्पीक्स अबाउट सेवरल वर्ड्स एंड द रिलेशन बिटवीन देम। अवर वर्ड्स आर द स्टेट्स इन एन एग्जीक्यूशन, जो हमारे वर्ड्स हैं जो बात करते हैं ये वन स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, ये आपकी डिफरेंट स्टेट्स हैं। देर इज अ लीनियर रिलेशन बिटवीन देम, ये एक लीनियर जो आपकी इनकी आपस में जितनी भी रिलेशन बनती हैं दैट विल बी लीनियर रिलेशन। ईच टू सीक्वेंस इन अवर एग्जीक्यूशन
our audit, ठीक है, interpretation, our and execution, later our all executions, ठीक है. तो ये इसको हम कहते हैं temporal logic कहते हैं, ये आपके पास temporal logic है. अब हम देखते हैं इसमें जो हमारे पास LTL syntax है, ठीक है, ये आपकी एक लैंग्वेज है, ये आपने लास्ट टाइम फाइनेट ऑटोमेटा में चीजें देखी थी कि बॉक्स ऑलवेज फॉर एवर डायमंड, ठीक है, एवेंचुअली समटाइम्स, ये सिंबल नेक्स्ट टाइम अंटिल, ठीक है. यहाँ पे आपकी जितनी भी प्रोपोजिशंस आ रही हैं उन तमाम प्रोपोजिशंस में आप देख रहे हैं पी कामा क्यू कामा आर ईच रिप्रेजेंट्स सम स्टेट प्रॉपर्टी x greater y plus 1 z equal to t at underscore cr etc. तो ये हमारे पास एक सिंटेक्स है. इस सिंटेक्स से अगर हम अपने सिमेंटिक और सफिक्सिस अगर बनाए हम अपने कि आपके कितने सफिक्सिस बनते हैं ऑफ द एग्जीक्यूशन मॉडल, तो आप देखें कि यहाँ पे ये आपका एक मॉडल बनेगा. ये इस सिंटेक्स से हम जो डायग्राम जनरेट कर रहे हैं वह कुछ इस तरह की डायग्राम जनरेट हो रही है. किस तरह हो रही है, रूल्स देखते हैं. कैन, ये इसके रूल्स हैं, कैन डिस्कार्ड सम ऑपरेटर्स, हम इसमें से कुछ ऑपरेटर्स डिस्कार्ड भी कर सकते हैं. इंस्टेंट ऑफ पी राइट ट्रू यू पी लिख सकते हैं हम, ये एक जनरल रूल है. इंस्टेंट ऑफ ब्रेसिस पी वी कैन राइट लाइक दिस, ठीक है, आर ट्रू लाइक दिस बिकॉज. अब ये सारे के सारे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हैं, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि इस रूल का मतलब क्या है, इस रूल का मतलब क्या है. तो ये हम उसी को लेके हम अपने फॉर्मल मेथड्स के अंदर इंक्लूड करके उसको डिजाइन कर रहे हैं. पी मीन्स इट इज नॉट ट्रू दैट पी होल्ड फॉर एवर आर एट सम पॉइंट पी होल्ड आर पी, ठीक है. तो ये आपके पास जो लैंग्वेज है, ये आपके पास जो है, ये जो रूल्स हैं, रेगुलेशन है, ये ऑटोमेटा, फाइनल ऑटोमेटा और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ही है. कम्बिनेशन स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, या हम कम्बिनेशन स्टेटमेंट्स को कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है. इसमें देखें ब्रेसेस पी, पी विल हैपन इनफाइनेटली ऑफन, ठीक है, पी विल हैपन फ्रॉम सम पॉइंट फॉर एवर, ठीक है. इफ़ पी हैपन इनफाइनेटली ऑफन देन क्यू आल्सो हैपन इनफाइनेटली ऑफन. तो ये हमारे पास डिफरेंट कम्बिनेशन हैं, हम जो अपने डिफरेंट कम्बिनेशन को यूज़ कर सकते हैं. अब इन्हीं कम्बिनेशन से जो आपके रिलेशन जनरेट हो रहे हैं, वो आपके ये डिफरेंट रिलेशन जनरेट हो रहे हैं, ठीक है. ये इन्हीं कम्बिनेशन से हमने ये डिफरेंट रिलेशन, ये आपके एग्जांपल्स हैं, ये बहुत से एग्जांपल्स हैं, इनको अभी हम डिस्कस करते हैं. ये देखें, ये आप इससे आपके पास ये आ गया, इससे आपके पास ये रिलेशन आ गया. अब ये क्वेश्चंस हैं, इन फोर क्वेश्चंस को आपने देखना है, ठीक है. इस तरह के आपके असाइनमेंट में भी आपको मैंने कुछ चीज़ें दी हैं कि इस रिलेशन से क्या चीज़ एक्सट्रैक्ट हो रही है, इस रिलेशन से क्या चीज़ एक्सट्रैक्ट हो रही है, इस रिलेशन से क्या चीज़ एक्सट्रैक्ट हो रही है इससे. तो ये जितने ये फोर क्वेश्चन हैं, ये आपने, ठीक है, इसको स्टडी करें, जो आज के लेक्चर है और जो पिछले लेक्चर है उनको देख के इनके आंसर्स फाइंड करें. नहीं तो हम इनको नेक्स्ट क्लास में इन आंसर्स को मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें किस तरीके से कैसे फाइंड की जाती हैं. ठीक है, ये नो जस्ट के लिए, यस के लिए और लेकिन ये किस तरीके से हो रही है, ठीक है, ये सारी आपको फाइंड करना, यू हैव टू फाइंड, ठीक है, ये कहाँ पे किस तरीके से हम इसको कैसे मैनिपुलेट करते हैं. अब आपके पास जो फॉर्मल सिमेंटिक डेफिनेशन है, ठीक है, वो क्या है कि लेट बी अ सीक्वेंस एज जीरो एज वन. ये आपके पास एक पूरी लैंग्वेज है कि जहाँ पे हम कहते हैं कि पी वेयर पी इज अ प्रोपोजिशन इफ एस पी, ठीक है. ये आपके देखें पूरे सेट ऑफ रूल्स डिफाइन हुए हैं. ये एक फॉर्मल मेथड की है. हम जो लिखते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लिखते हैं, लॉज लिखते हैं, जो लैंग्वेज उसकी, जो उसकी सिमेंटिक्स है, ठीक है, जो फॉर्मल मेथड की सिमेंटिक्स हैं, जो उसकी क्रैक्स हैं, वो ये आपके, हम इस तरीके से अपनी उस सिमेंटिक्स को यूज़ करते हैं. अब यहाँ पर हम इसको इंटरप्रेट, यानी इसी को हम किस तरीके से, यानी इस पूरी को, किस की स्टडी को हम किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं फॉर अ स्टेट एस इज पी एंड प्रोपोजिशनल लॉजिक. ये आपके पास कौन सा लॉजिक होता है, इसको हम अपना प्रोपोजिशनल लॉजिक कहते हैं. फॉर एन एग्जीक्यूशन, ठीक है, इज इंटरप्रेटेड और अ सीक्वेंस एज इन
इन प्रीवियस स्लाइड कि आपका जो सीक्वेंस किस तरीके से आ रहा है फॉर असिस्टेंट प्रोग्राम, ठीक है, फॉर एवरी सीक्वेंस ऑफ पी. तो ये आपके पास जो लॉजिक है ये आपने सारे के सारा, अगर आप लोगों को डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो काइंडली आप डीएम की बुक लेके ये आपका प्रोपोजिशन लॉजिक क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, ये वहाँ पर पढ़े तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से ये चीज़ें आप जो है कवर कर सकते हैं. अब यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास एक स्प्रिंग की एग्जांपल है. जो स्प्रिंग होता है आपका, यानी ये आप ये देखें, हम इसको पुश करते हैं, एक खास लेवल तक पुश होता है, फिर वो वापस अपनी जगह पे आता है. तो आप उसको अगर आप कम पुश करते हैं तो कम वापस आता है, और पुश करते हैं और वापस आता है, बिल्कुल पुश करते हैं वो बिल्कुल वापस आता है. तो अब उसके लिए हम अगर उसके लिए एक फॉर्मल मेथड या उसके लिए हम एक सेंटेक्स डिफाइन करें तो वो जो सेंटेक्स है वो किस तरह का होगा. आप देखें S1 S2 S3, ठीक है, ये आपकी कंडीशन है रिलीज़ की, ये पुल है, ठीक है, ये रिलीज़ है, ठीक है, ये आपके पास एक्सटेंडेड है और ये एक्सटेंडेड मेल फंक्शन है. तो इसको हमने क्या किया, R is equal to S1, S2, S1, S2, S1, so on, R1, S1, S2, S3, ठीक है, so on, और R2 ये हमने उसकी एक स्प्रिंग एग्जांपल की, जो इक्वेशन फाइंड की है, वो ये इक्वेशन फाइंड की है. अब यहाँ पे जो LTL जो है, ये सेटिस्फेक्शन बाय अ सिंगल सीक्वेंस के, इसको ये सेटिस्फाई कैसे करेगी, तो ये इसके रूल्स हैं. हमने ये तो लिख दिया कि ये R2 भी गिवन है कि R2 एक्सटेंडेड है, R2O एक्सटेंडेड है, ये R2OO एक्सटेंडेड है, ये R2 एक्सटेंडेड है, R2. तो ये आपके डिफरेंट रूल्स हैं. ये आपने, यानी यहाँ पे जो हमने चीज़ डिज़ाइन करनी थी, इस तरह की एग्जांपल आपके पेपर में आ सकती है. हम बैक स्लाइड में जाएं, ठीक है, कि जहाँ पे आपने हर सीक्वेंस को आपको ये डायग्राम दे दी जाए और आप इसको कहें कि आपने इसका मेल फंक्शन एक्सटेंड करना है तो किस तरीके से करते हैं, तो ये आपको बहुत सिंपल सी है, आप इसको इस तरीके से इसको फाइंड कर सकते हैं. देन आपके पास नेक्स्ट जो है दैट इज मोर स्पेसिफिकेशन. अब हम मोर में क्या करते हैं कि ये एग्जाम्पल आप घर बैठ के इसको मजीद ट्राई करें कि द प्रोसेस अल्टरनेट इन एंटरिंग देयर क्रिटिकल सेक्शन, ईच प्रोसेस इंटर इट्स क्रिटिकल सेक्शन इन फाइनली ऑफन. तो मान इस तरह की बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, जिनको आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, जिनको आप अपनी रियल इंजीनियरिंग में डिप्लॉय कर सकते हैं. अब हम नेक्स्ट अपनी एग्जाम्पल देखते हैं. ट्रैफिक जो ट्रैफिक लाइट है कब, इसकी एग्जाम्पल देखते हैं. इसमें क्या है, ग्रीन येलो रेड ऑलवेज हैज एग्जैक्टली वन लाइट. ठीक है, लाइट तो एक होती है, उसके डिफरेंट सिग्नल होते हैं, कभी वो ग्रीन होती है, कभी वो येलो होती है, कभी वो रेड होती है, वो अपनी स्टेट्स चेंज करती है ना, ठीक है, उसकी डिफरेंट स्टेट्स है ना. यानी जब लाइट है, जब रेड सिग्नल है तो आप उस पर रुक जाते हैं, ठीक है, जब येलो होता है आप अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं और ग्रीन पे आप फिर निकल जाते हैं. तो ये डिफरेंट स्टेट्स हैं, ठीक है. अब इन स्टेट्स को प्री डिफाइन किया हुआ है हमने. अगर हमने रेड पे स्टॉप लिखा है तो रेड पे हम ये भी कह सकते थे कि ग्रीन स्टॉप है और रेड पे जाना है आपने. पर लेकिन अब जो प्री डिफाइंड आपकी स्टेट्स हैं, जो आपने प्री डिफाइंड स्टेट्स कर दी हैं, आप उन्हीं स्टेट्स को ही फॉलो करेंगे उनको मैनिपुलेट करने के लिए. अब इसकी लैंग्वेज आपके पास ये है कि ठीक है, अब इसमें आपने कलर किस तरह चेंज करना है, लिखना किस तरह है, तो ये हमने उसको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स सिंपल सी लैंग्वेज है, हमने उसको इस पर लिख दिया. तो ये आपके पास बहुत सी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है. ये ठीक है, ये वाली आपकी रॉन्ग स्पेसिफिकेशन थी, ये आपके पास करेक्ट स्पेसिफिकेशन है. मैं आपको बताया कि अब ये आपने डिफाइन करना है कि येलो मीन्स क्या है, रेड मीन्स क्या है, ग्रीन मीन्स क्या है, ठीक है. इस बेसिस के ऊपर आप अपनी ट्रैफिक लाइट की डिफरेंट स्टेट्स को अपनी रेगुलर एक्सप्रेशन में, फॉर्मल लैंग्वेज में, ठीक है, यू कैन राइट इट. देन आपके पास जो इसका ऑटोमेटा है या जो फाइनाइट वर्ड्स हैं, हम वो देखते हैं कि हमने यहाँ पे एक वैल्यू क्या डिफाइन की है, सिग्मा कॉमा एस डेल्टा आई कॉमा एफ. सिग्मा फाइनाइट है, इसमें आपके सारे के सारे जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे आएंगे. एस भी फाइनाइट है, ठीक है, इसमें आपकी सारी स्टेट्स आएंगी, ठीक है. डेल्टा में हमने ये क्या है, एस इंटू सिग्मा इंटू एस द ट्रांजिशन रिलेशन आएगा. आई कॉलन एस द स्टार्टिंग स्टेट्स आएगी. एफ कॉलन एस
10 आपकी सब स्टेट्स आएगी। तो ये हमारे पास डिफरेंट स्टेट्स है, S0, S1, AB, B1, A, तो ये सारे के सारा हमारा ऑटोमेटा है, हम जो यूज़ करते हैं अपने फाइनाइट वर्ड्स के अंदर, कि जो हमारे पास फाइनाइट वर्ड्स हैं हम उसको किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से डिज़ाइन कर रहे हैं, किस तरीके से डिप्लॉय कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास एक ट्रांजिशन की, आप ये देखेंगे जो आपके पास ट्रांजिशन की रिलेशन है वो क्या है, S0, A, S0, S0, B, S1, S1, A, S0, S1, B1, S1। ये आपके पास S0 है, इसकी ये A स्टेट है, ये S1 है, ये B है, ठीक है, ये A और ये B, ये आपके पास एक ट्रांजिशन रिलेशन है कि जो आपके पास डिफरेंट ट्रांजिशन हैं उनका आपस में रिलेशन क्या है, वो आपस में किस तरीके से कैसे कैसे रिलेट हो रही है, ठीक है, उनकी उनकी जो रिलेशन है वो इस तरीके से आपकी हो रही है, आप इस तरीके से उसको फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है ए रन अवर वर्ल्ड, ठीक है, ये एक नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, ठीक है, हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं कि ए रन अवर वर्ल्ड, ए वर्ल्ड अवर सिग्मा, एग्जाम्पल AB, AAB, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स, एग्जाम्पल S0, S1, S0, S1, ठीक है, स्टार्ट विद एन इनिशियल स्टेट, ये आपका स्टार्ट होता है इनिशियल स्टेट पे, फॉलोज द ट्रांजिशन रिलेशन, ठीक है, SI CJ SI+1, और इसमें क्या हो रहा है, एक्सेप्टिंग इफ एंड्स एट एक्सेप्टिंग स्टेट, ठीक है। अब आप ये देखेंगे कि आपके पास S1 है, ये S0 है, ये स्टेट आपकी A है और ये स्टेट आपकी B है, तो ये हमारे पास एक बेसिक मॉडल है, स्टेट मॉडल है, हम यहाँ से इसको चेक कर रहे हैं कि S0 कैसा काम कर रहा है, S1 कैसा काम कर रहा है और इनके आपस में क्या रिलेशन है। द लैंग्वेज ऑफ एन ऑटोमेटा, द वर्ड्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय द ऑटोमेटा इंक्लूड AA BBBA, डज नॉट इंक्लूड AB 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 BB, व्हाट इज द लैंग्वेज। अब ये देखें, हमने ये एक छोटी सी एग्जांपल है, यहाँ पे जो हमने अपनी इसको डिज़ाइन करना है, हम क्या बात कर रहे हैं कि जो हमने ऑटोमेटा की लैंग्वेज यहाँ देखनी है, कि जो हमने वर्ड यहाँ एक्सेप्ट करने हम चाहते हैं, द वर्ड दैट आर एक्सेप्टेड बाय द, जिसमें AA हो, BBBA हो, AB BBA हो, और हमने इनको इंक्लूड नहीं करना, हम चाहते हैं कि डज नॉट, यानी फर्स्ट 2A हो, फिर आपके 3B हो, एक सिंगल A है, लेकिन हमने इसको इंक्लूड नहीं करना, AB AB को और ABBB को इंक्लूड नहीं करना। व्हाट इज़ द लैंग्वेज, हमने उसके लिए जो लैंग्वेज डिफाइन की है, जो उसके लिए आपकी स्टेट्स डिफाइन की है, वो अभी देखें सारे के सारा आपका बेसिक फिर डायरेक्टली ऑटोमेटा डिस्क्रिप्ट के ऊपर जा रहा है। जब तक आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी उन कोर्सेज की, आप इसको लिंक नहीं कर सकते। दैट्स वाई मैं बार बार आपको इस कोर्स में जोर दे रहा हूँ कि काइंडली, ठीक है, आपको मैंने इसलिए एक दो लेक्चर्स भी करवाए, ठीक है, उसका ऑटोमेटिक आपको बेसिक्स भी कवर करवाई, लेकिन अब आपको हमने तो अपना फॉलो मैथड्स डिस्कस करना है, हम तो ऑटोमेटिक डिस्कस नहीं कर सकते। दैट्स वाई आप काइंडली, आप अगर आपको अगर चीज़ें डिफिकल्ट लग रही हैं तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को और फॉलो मैथड और जो आपके पास ऑटोमेटा है तो उसको एक दफ़ा रिवाइज करें। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि ये जो आपके पास आ रही है, ये डायग्राम आपकी ए है, ये आपके पास बी है, और ये स्टेट आपकी किसका काम कर रही है और ये स्टेट किसका काम कर रही है, इस तरीके से हम अपनी लैंग्वेज को डिज़ाइन कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो आपके पास नॉन डिटरमिनिस्टिक ऑटोमेटा है, ट्रांजिशन कौन कौन सी है, S0, A, S0, ठीक है, S0, B, S0, और इसमें आपके पास क्या आ रहा है, S0, A, S1, S1, A, S1, व्हाट इज़ द लैंग्वेज ऑफ दिस ऑटोमेटा। कि जो अब देखिए, वहाँ पे आपको यहाँ पे हमारे पास लैंग्वेज दी थी, हम कहते हैं कि हमने इनको करना था इंक्लूड इस डायग्राम से, इसके लिए हमने लैंग्वेज लिखी थी, हमने दो रूल्स हमने दे दी थी, हमने दो कंडीशंस हमने डिफाइन कर दी थी कि एक हमने इसको इंक्लूड करना है, एक इसको नहीं करना। तो इसी तरह यहाँ पे जो आपके पास है, जो अब ये जो अप्रोच थी, ठीक है, ये सिंपल थी, और यहाँ पे हम क्या अप्रोच की बात कर रहे हैं, नॉन डिटरमिनिस्टिक की बात कर रहे हैं। यहाँ ट्रांजिशन क्या है, S0, A, S0, ठीक है, S0, B, S0, S0, A, S1, then S1, A, then S1, व्हाट इज़ द लैंग्वेज ऑफ दिस ऑटोमेटा। इस ऑटोमेटा की लैंग्वेज क्या है, ये आपकी स्टेट 0 है, ये स्टेट 1 है, और ये इसकी जो दो इनपुट्स हैं A और B है, ठीक है, ये आपके पास A है। तो अब इस सारे की
जो आपकी लैंग्वेज है वो क्या लैंग्वेज है, ठीक है, या वो किस तरीके से वर्किंग करती है वो हम देखते हैं। जो आपकी डिटर्मिस्टिक ऑटोमेटा है, ठीक है, उसमें आप देख रहे हैं कि डिटर्मिस्टिक ऑटोमेटा के अंदर क्या हो रहा है। ये आपके पास ए और बी है, और ये आपके पास ए है, ये स्टेट ज़ीरो है और ये स्टेट वन है। ये जो आपकी ज़ीरो स्टेट्स है, ये आपकी जो स्टेट इसमें स्टेट वन में जा रही है, और ये आपके पास ए है और ये आपके पास बी है, ठीक है। तो ये टू डिफरेंट आपकी जो स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स को आप किस तरीके से मेजर करते हैं, किस तरीके से करते हैं, वो अब हमें फाइंड करना है कि जो आपकी नॉन डिटर्मिस्टिक ऑटोमेटा है वो किस तरीके से डिज़ाइन हो रहा है और वो किस तरीके से डिप्लॉय हो रहा है। देन आपके पास जो ऑटोमेटा है, ऑटोमेटा अवर इनफाइनाइट वर्ड्स, ठीक है, उसमें क्या है, सिमिलर डेफिनेशन है, ठीक है, रन्स ऑन इनफाइनाइट वर्ड्स अवर सिग्मा, ठीक है, एक्सेप्ट व्हेन एन एक्सेप्टिंग स्टेट अकर्स इनफाइनाइटली ऑफन इन अ रन। अब इसमें क्या क्या हो रहा है, ये स्टेट वन है, ये स्टेट जीरो है, ये आपकी एक ए स्टेट है, ये आपकी दूसरी बी स्टेट्स है, और इसकी जो इनपुट है ये ए है और जो इसकी इनपुट है ये बी है। ये आपके पास सिंपल इनफाइनाइट वर्ड का जो ऑटोमेटा है वो इस तरीके से वर्क करता है। अब आपके पास ऑटोमेटा अवर इनफाइनाइट वर्ड्स, जो आपके पास ऑटोमेटा है इसके जो जितने भी इनफाइनाइट वर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं, अब आप ये देखें, ये यानी हम डिफरेंट इसमें एग्जांपल्स देख रहे हैं ताकि आपका कंसेप्ट मज़ीद क्लियर हो कि हम क्या क्या जो है, जब हम अपने मेथड्स को फॉर्मलिज्म पे लेके जाते हैं तो हम उसको किस तरीके से फार्मूलेट कर सकते हैं, ठीक है, और फार्मूलेशन के अंदर हम अपनी डिफरेंट एग्जाम्पल्स किस तरह जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये देखें कि कंसिडर द वर्ड, ये आपके पास एक ए बी ए, ठीक है, देन बी ए, देन बी ए, देन बी, और इसमें जो आपका इसमें रन स्टेट एस ज़ीरो, एस ज़ीरो, एस वन, एस ज़ीरो, एस वन, एस ज़ीरो, एस वन, दिस रन इन एक्सेप्टिंग सिंस एस ज़ीरो अपीयर्स इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपके स्टेट्स आ रही हैं आप ये देख रहे हैं, एस ज़ीरो है, ये एस वन है, ये आपकी स्टेट ए है, ठीक है, ये स्टेट आपकी बी है, ये वापस आपका सेंड हो रहा है बी में और ये वापस सेंड हो रहा है ए में। तो ये आपके पास एक इनफाइनाइट वर्ड का ऑटोमेटा है, आप इसको किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं वर्किंग, किस तरीके से आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको जब इसको रन करेंगे तो इसकी जो डिफरेंट रनिंग कंडीशन हैं वो क्या क्या हैं, फॉर द वर्ड बी 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 बी, ये ठीक है, द रन इज एस ज़ीरो, एस वन, एस वन, एस वन, डॉट डॉट एंड इट्स नॉट एक्सेप्टिंग, ये इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। और जो वर्ड आपके पास आता है फॉर द वर्ड ए ए ए बी 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 बी, द रन इज एस ज़ीरो, एस ज़ीरो, एस ज़ीरो, एस ज़ीरो, एस वन, सो वन, तो यहाँ पे जो आप इसको रन करें क्या आएगा, ए बी ए बी बी ए बी 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 ए, ये आपके पास बेसिक आपकी एक कंडीशन है जो आप इसके ऊपर इसको रन कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अपनी जो नॉन डिटर्मिस्टिक ऑटोमेटा है। अब हम यहाँ पे एक और इसमें एग्जांपल देखते हैं कि व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ दिस ऑटोमेटा। हमने यहाँ पे एलटीएल जो हमने पीछे पढ़ी है कि उसकी हमने क्या कहा है कि अगर पी सी जीरो सी आर जीरो और ए जो है इज नॉट इक्वल टू बी है, तो ये आपके पास स्टेट्स है। अब यहाँ पे इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आपके मिड टर्म में आ सकते हैं, आपके फाइनल पेपर में आ सकते हैं। अब अगर आपको ये चीज़ें गिवन हो तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, कैन यू फाइंड अ डिटर्मिस्टिक ऑटोमेटा फिर सेम लैंग्वेज, क्या आप इस लैंग्वेज के लिए, ठीक है, इस तरह के बेसिक क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम से पूछे जा सकते हैं, आपके क्विज़ में आपसे पूछे जा सकते हैं कि ठीक है। सेकंड क्या है, कैन यू प्रूव देयर इज नो सच डिटर्मिस्टिक ऑटोमेटा। तो ये दो बेसिक क्वेश्चन हैं, तो आप इन क्वेश्चन को इस डायग्राम से जो प्रूव कर सकते हैं, तो लाइक दीज क्वेश्चन आपके पेपर में आपसे चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो नेक्स्ट आपके पास जो कंसेप्ट है, नो डिटर्मिस्टिक ऑटोमेटा फॉर ए प्लस बी स्टैरिक ए डब्ल्यू इन अ डिटर्मिस्टिक ऑटोमेटा देर इज वन रन फॉर ईच वर्ड आफ्टर सम सीक्वेंस ऑफ एज ए ए ए ए मस्ट रीच सम एक्सेप्टिंग स्टेट नाउ एट बी ऑब्टेनिंग ए ए ए ए बी आफ्टर सम मोर एज, तो फिर आपके पास क्या वैल्यू आती है, ए ए ए ए मस्ट रीच सम आप, तो ये बेसिक
जो आपकी स्टेट्स हैं, ठीक है, फिर आप इसमें बी ऐड कर सकते हैं। अगर बी ऐड करते हैं तो बस क्या क्या चीज़ आ जाएगी, ए ए ए ए बी ए ए डॉट ए बी। तो अगर आप इसमें इस तरह की चीज़ें ऐड करते हैं तो आपको ये डाटा मिल सकता है। तो कंटिन्यू, यहाँ से आपकी कंक्लूजन क्या आती है कि कंटिन्यूइंग दिस वे वन ऑब्टेन्स अ रन दैट हैज इनफाइनाइटली मैनी बीज बट रीच एन एक्सेप्टिंग स्टेट एंड अ फाइनाइट ऑटोमेटा एट लीस्ट वन वुड रिपीट इनफाइनाइटली ऑफन। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ से कंक्लूजन आती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। इससे पहले तो हम क्या हमने क्या स्टडी कर रहे थे, हम इसकी फॉर्मुलेशन स्टडी कर रहे थे कि आप इसको फॉर्मलाइज किस तरीके से करते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं स्पेसिफिकेशन के अंदर। ठीक है, हमने क्या, ठीक है, कि जो आपकी स्पेसिफिकेशन है, ठीक है, वो ऑटोमेटा में किस तरीके से यूज़ होती है, कैसे डिज़ाइन होती है, कैसे डिप्लॉय होती है। तो यहाँ पर हम एक और इस एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है कि लेट ईच लेटर कॉरस्पॉन्ड टू सम प्रोपोजिशनल प्रॉपर्टी। इसमें एग्जाम्पल में क्या कह रहे हैं, ए पी ज़ीरो इंटर क्रिटिकल सेक्शन बी पी ज़ीरो डज नॉट इंटर सेक्शन, ठीक है, पी सी ज़ीरो इज इक्वल टू सी आर ज़ीरो। ठीक है, ये हमारे पास एक और लैंग्वेज है। अभी देखिए इसमें ये एस ज़ीरो स्टेट है, एस वन है, ए और बी। तो यहाँ से आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं, ए पी सी सी आर, पी सी वन सी आर बी। तो ये आपकी उसकी म्यूचुअल एक्सक्लूजन है कि अगर आपने उसको म्यूचुअली एक्सक्लूड करके लिखना है तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब अगर हम इसका बेसिक, अगर हमने इस स्टेटमेंट को एनालाइज करना है तो जो इसका बेसिक अलगो है, ठीक है, यहां पे हमने जैसा इससे पहले वाइल और डू वाइल का अलगो किया था, इसी तरीके से एल जीरो कॉलन वाइल ट्रू डू एन सी जीरो वेट। अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि हमें तब तक वेट करना है कि जब टेन आपका जीरो नहीं होता, और सी आर टेन इज इक्वल टू वन, इसको हमने लूप को एंड किया। आर सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या आ रही है कि एल वन वाइल ट्रू डू एन सी वन वेट टेन इज इक्वल टू वन सी आर वन इज इक्वल टू टेन जीरो। हम इसको यहाँ पे इसको एंड करते हैं और फिर हम अब देखें कि टी जीरो पी सी जीरो इज इक्वल टू एल जीरो पी सी जीरो इज इक्वल टू एन सी जीरो टी वन कॉलन पी सी जीरो इज इक्वल टू एन सी जीरो टेन जीरो। ठीक है, और फिर हमने यहाँ पे पी सी जीरो को भी आपस में जो सी आर सी है इसके इसके एक्सटेंड कर दिया, और फिर हम यहाँ क्या कहते हैं कि टी टी टू कॉलन पी सी इक्वल टू सी आर गोज पी सी जीरो टेन कॉलन इक्वल टू एल जीरो कमा वन टी कॉलन टी थ्री कॉलन पी सी वन L1 वन गोज पी सी वन इज इक्वल टू एन सी वन टी फोर कॉलन पी सी वन इज इक्वल टू एन सी वन टेन इज इक्वल टू वन गोज पी सी वन कॉलन इज इक्वल टू सी आर वन। तो ये आप देखें फाइनली क्या आ गया, पी सी वन टेन एल वन कमा जीरो। तो ये हमारे पास एक, जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो इनिशियली जो आपके पास एक कंडीशन वहाँ से डिज़ाइन होती है वो आपकी कंडीशन आती है। अब आप इसकी देखिए इसकी भी जिस टाइम लास्ट ये ऑलमोस्ट उसी से मिलती जुलती एग्जाम्पल है जो हमने पहले देखी थी। अब इसमें भी आपकी डिफरेंट स्टेट्स आ गई, डिफरेंट वैल्यूज आ गई, और इसको हमने किस तरीके से करना है, ये बिल्कुल जो हमने लास्ट इससे पहले 10-12 स्लाइड्स देखी हैं एग्जैक्टली वही एग्जाम्पल है। यहाँ पे वहाँ पे हम बात कर रहे थे फॉर्मलिज्म की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो ये आपकी सारी की सारी इसमें यूज़ हो रही है और बाकी स्टेट्स आपकी यूज़ नहीं हो रही। देन आपके जो इंटरलीविंग्स आपके सेमांटिक्स होते हैं जिसमें हम एग्जीक्यूट करते हैं वन ट्रांजिशन एट अ टाइम, जिसमें हर एक ट्रांजिशन को एट अ टाइम करते हैं। अब आप उसमें देखें कि उसमें आपकी कंडीशंस क्या आ रही हैं, टेन जीरो टेन जीरो टेन जीरो टेन जीरो, ये सारी की सारी आपकी कंडीशन कहाँ पहुँच रही है, यहाँ पहुँच रही है। हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि नीड टू द टू चेक द प्रॉपर्टी, यहाँ पे आप उसकी प्रॉपर्टी आपको चेक करनी चाहिए फॉर एवरी पॉसिबल इंटरलीविंग, हर जो इंटरलीविंग पॉसिबिलिटी है, ठीक है, वो आपको यू हैव टू चेक दैम कि वो किस तरह वर्क कर रही है, उसकी वर्किंग किस तरीके से हो रही है, वो आपस में लिंक किस तरीके से हैं, उनके सेमांटिक्स क्रिएट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। सेम टेन जीरो और दूसरी कंडीशन के टेन वन। तो अब यहाँ से हम क्या चीज़ कंक्लूड करेंगे, यहाँ से हम जो चीज़ कंक्लूड करेंगे, हम करेक्टनेस कंडीशन की तरफ जाते हैं। करेक्टनेस कंडीशन जो है वो क्या है कि वी वांट टू फाइंड अ
correctness condition for a model to satisfy a specification. हम यहाँ पे specification की बात कर रहे थे, तो जो आपकी specification है उसको legitimate करने के लिए, system में include करने के लिए जो आपके पास conditions हैं, वो conditions कौन सी हैं, वो हम देखते हैं कि we want to find a correctness condition for a model to satisfy the specification. Language of a model L model है, और जो इसकी स्पेसिफिकेशन है वो आपकी L स्पेसिफिकेशन है, वो नीड L model, ठीक है, यूनियन L स्पेसिफिकेशन, ये हमारे पास एक करेक्टनेस कंडीशन है. अब आप देखें कि हम अगर इसको देखें तो ये मॉडल किस तरीके से काम कर रहे हैं. सबसे पहले ये आपके पास यहाँ पे क्या है, ये आपके पास, अब ये सारी कंडीशन, ये जो आपके जो ऑटोमेटा डिफाइन कर रहे होते हैं, जो ऑटोमेटा डिज़ाइन कर रहे होते हैं, जो मैथमेटिशन होते हैं, वो सारे सारे करते हैं. अब आप बींग सॉफ्टवेयर डेवलपर, बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आपका जो टास्क है, आपने क्या किया कि यहाँ पे सारी की सारी जितनी भी है कंडीशन, और उस पूरे प्रोग्राम की तमाम कंडीशंस को एग्जीक्यूट किया. एग्जीक्यूशन के बाद, ठीक है, वो आपने उन तमाम को सेटिस्फाई किया, और सेटिस्फाई करने के बाद, ठीक है, आपने उसका सीक्वेंस बनाया, और इसके बाद यानी ये तीन कलर हैं, इसमें एग्जीक्यूशन है, यहाँ पे आपकी सीक्वेंस की जो कंडीशंस हैं उनको लिजिटिमेट किया जा रहा है कि वो लिजिटिमेट सिस्टम के लिए हैंगे नहीं, वो वैलिडेट हैंगे नहीं, और ये आपके पास इसमें ऑल सीक्वेंस है. ठीक है, ये यहाँ पे इसको हम कह सकते हैं ये आपकी काउंटर एग्जांपल है, ये हम आपने यूज़ कर सकती हैं काउंटर एग्जांपल के लिए यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, इसके बाद जो हमारा इस बुक का चैप्टर है, ठीक है, वो स्टार्ट हो रहा है ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन. ये जो अभी तो हमने जो जितनी भी हमने अपनी वेरिफिकेशन की थी, ये सारी की सारी अपनी मैनुअल वेरिफिकेशन की थी, तो ऑटोमेटिक जो वेरिफिकेशन है इसके कंसेप्ट को देखते हैं कि जो ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन है वो किस तरीके से की जा सकती है, और उसको हम किस तरीके से जो है यूज़ कर सकते हैं. जो ऑटोमेटिक आप की वेरिफिकेशन है कि हाउ कैन वी चेक द मॉडल, ठीक है, अब इसके अंदर के हम इस मॉडल को किस तरीके से चेक कर सकते हैं. द मॉडल इज अ ग्राफ, द स्पेसिफिकेशन शुड रेफर द ग्राफ रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, कि जो आपका मॉडल है, ठीक है, वो अपनी ग्राफ रिप्रेजेंटेशन को यूज़ करता है, और यहाँ पे हम अपनी ग्राफ थ्योरी के एल्गोस को यूज़ करते हैं. ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर्स में आप लोगों ने ट्रीज पढ़े होंगे, बाइनरी सर्च ट्रीज पढ़े होंगे, ठीक है, लिंक्स, आपके लिंक लिस्ट हैं, डब्ल्यू लिंक लिस्ट हैं, ठीक है, उन तमाम की इम्प्लीमेंटेशन हैं. ठीक है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन के साथ आपने ग्राफ थ्योरी पढ़ी होगी, फिर ग्राफ थ्योरी की आपने डिप्लॉयमेंट देखी होगी. तो यहाँ पर जो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो ये आ रहा है यहाँ पे, अभी अगर ये देखें हमने क्या बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन. देखिए, इससे पहले तो हम जो था, हम अपने स्टेट्स बना रहे हैं, हम रूल्स बना रहे हैं, हम रेगुलेशन बना रहे हैं, हम उनको मैन्युअली वेरीफाई करते जा रहे हैं कि सिस्टम के अंदर वो किस तरीके से वेरीफाई होते हैं कि नहीं होते, अगर होते हैं तो हमें उसको किस तरह करना चाहिए. अब हम क्या कर रहे हैं, हम उस सिस्टम की जो है ना उसको ऑटोमेटिक कर रहे हैं कि अगर हम उसको ऑटोमेटिक करें तो वो किस तरीके से होगा. तो यहाँ पर जो हमारे पास है वो ग्राफ थ्योरी के एल्गोज हैं, वो जितने भी ग्राफ थ्योरी के एल्गोज हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं, उसको किस तरीके से डिज़ाइन किया जा सकता है, उसकी डिप्लॉयमेंट क्या है, वो भी हम देखते हैं. व्हाट प्रॉपर्टीज कैन वी चेक, हम क्या क्या प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हैं, उसमें इनवेरिएंट है, डेडलॉक डिटेक्शन है, और डेड कोड है. ये जो थ्री पैरामीटर्स हैं ये हम इसमें चेक कर सकते हैं. फर्स्ट क्या है आपके पास, इनवेरिएंट है, ठीक है, ए प्रॉपर्टी दैट नीड्स टू होल्ड इन ईच स्टेट, यानी वो प्रॉपर्टी, ठीक है, जो हर स्टेट में होल्ड हो रही होती है. मतलब अभी हमने देखी है कि ऑटोमेटा की डिफरेंट स्टेट्स देखी हैं, ठीक है, वो प्रॉपर्टी जो हर स्टेट में आप उसको होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, वो उसके क्या मेथड्स हैं, उसके क्या रूल्स हैं, उसके क्या रेगुलेशंस हैं, किस बेसिस पे आप उसको होल्ड करते हैं, कैसे करते हैं, ये डिस्कस करेंगे. डेडलॉक डिटेक्शन, के जो आपकी डेडलॉक्स हैं, ठीक है, उनको आप किस तरीके से डिटेक्ट करेंगे. देखिए, डिटेक्शन, कैन वी रीच अ स्टेट विद द प्रोग्राम इज ब्लॉक. अब आपकी, आपने देखा है आपकी मल्टीपल स्टेट्स थी, अभी हमने बहुत सी डायग्राम देखी, एग्जाम्पल देखी है लास्ट स्लाइड में. तो अब जब आपका डेडलॉक क्या होता है, जहाँ सिस्टम ब्लॉक हो जाता है, जहाँ से आपका डाटा आगे डिफरेंट स्टेट्स पे फ्लो नहीं होता, डाटा आपका मूव नहीं होता, अब उस डेडलॉक को सबसे पहले जो प्रॉब्लम है उसको डिटेक्ट करना, ठीक है, जब आप उसको, जब तक आप उस डेडलॉक को डिटेक्ट नहीं कर सकते तो आप उसको जो है उसको रेक्टिफाई भी नहीं कर सकते, ठीक है, उसके एरर्स की
कुरेक्शन भी नहीं कर सकते, तो जो डेडलॉक की डिटेक्शन है ठीक है वो उसके लिए क्या मेथड है, कैन वी रीच अ स्टेट वेयर द प्रोग्राम इज ब्लॉक। अब यहाँ पे जो हमारे पास मेजरली प्रॉब्लम है, क्योंकि डेडलॉक डिटेक्शन के बहुत से मेथड्स हैं, बहुत से अल्गोज हैं, बहुत से प्रोसीजर्स हैं, हम उन मेथड्स को किस तरह यूज़ करेंगे, उन प्रोसीजर्स को किस तरीके से यूज़ करेंगे जहाँ से हम अपनी डेडलॉक डिटेक्शन कर सके। जब तक हम अपनी डेडलॉक डिटेक्शन नहीं कर सकते हम सिस्टम को जो यूज़ नहीं कर सकते। अब डेडलॉक डिटेक्शन के बाद क्या आपके पास डेड कोड है, डज द प्रोग्राम हैव पार्ट्स दैट आर नेवर एग्जीक्यूटेड, कि आप बाज ऐसा कोड होता है आपने लिख तो दिया लेकिन जो आप रन करते हैं उसके अंदर जो एरर इस तरह का आ रहा है कि वो एक स्पेसिफिक पोर्शन एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा। जब वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा तो जो आपकी रिक्वायर्ड आउटपुट थी डेफिनेटली वो फुलफिल नहीं हो रही। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉपर्टीज हैं, हम किन मेथड से, किन प्रोसीजर से, किन रूल्स एंड रेगुलेशन से ये देख सकते हैं कि हम उसको रेक्टिफाई कर सकें कि इनवेरिएंट क्या है, डेडलॉक की डिटेक्शन क्या है और डेड कोड क्या है। अब सबसे जो यहाँ पे मेजरली इशू है, जो मेजर गोल है, दैट इज डेडलॉक डिटेक्शन। ठीक है, ठीक है, जब तक आपको वो पता नहीं चल रहा कि आपका जो एरिया है वो उसकी ब्लॉकेज कहाँ पे हुई हुई है, ठीक है, आपका डेडलॉक जो है कहाँ पे कर रहा है, तब तक आप उसको देख नहीं सकते, उसको ठीक है उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते। जब हम अब डेडलॉक डिटेक्शन के लिए इसको करने के लिए बहुत से मेथड हम डिस्कस करेंगे, बहुत से रूल्स हैं, बहुत से रेगुलेशंस हैं, ठीक है, उन रूल्स और रेगुलेशन को आप किस तरीके से अप्लाई करेंगे, किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, वो जो हमारा आज का लेक्चर है वो इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, डेड कोड को हम किस तरीके से रेक्टिफाई करते हैं, ये कोड आपका आज डेड हो गया है, ठीक है, इसकी एग्जीक्यूशन नहीं हो रही। ठीक है, अब डेड कोड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि सिस्टम आपका मानक पहुंचता ही नहीं है, जो सिस्टम का फ्लो है वो फ्लो मानक पहुंचता ही नहीं है। जब आप सिस्टम का मानक फ्लो पहुंचेगा या नहीं तो सिस्टम वर्क ही नहीं करेगा। जब सिस्टम वर्क नहीं करेगा तो आपको, क्योंकि आप बार बार देखते हैं उसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर चल रहा है, एग्जीक्यूशन भी हो रही है, रिजल्ट्स भी, आप कहते हैं ये फॉल्टी रिजल्ट्स क्यों आ रहे हैं, फॉल्टी रिजल्ट्स इसलिए आ रहे हैं एक स्पेसिफिक पोर्शन है जहाँ पे वो कोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, प्रोग्राम एरर भी नहीं आ रहा, वह भी सक्सेसफुल। अब उस डेड कोड को कैसे फाइंड करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है और एग्जीक्यूशन के बाद उसको लिंक किस तरह करना है, तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये इंशाल्लाह ताला जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि ऑटोमेटिक जो डिटेक्शन है वो किस तरह होती है, उसके लिए कौन कौन से रूल्स हैं, कौन कौन से अल्गोज हैं, उसको हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, उसको हम लिंक किस तरह कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला हम अपनी नेक्स्ट क्लास में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।